फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल डिमापुर बंगाली। मेरा नाम है किशोर दत्ता। फ्रेंड्स, आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए, ये जो दिया हुआ वीडियो। अभी आप इस फोटो को देखिए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो लोग नए हैं इस चैनल में, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो का अपना रिएक्शन दिखाने वाला हूँ। आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक एक बहुत ही खराब ट्रेंड है जो इंडियन सोसाइटी में हो रहा है। आप लोग पहले वीडियो को देखिए। महिलाओं में हमारे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि हमारे समाज में ये संस्कार नहीं है, कल्चर नहीं है, और एक गलत दिशा में लोग जा रहे हैं जिसके भविष्य में परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए इस बयान को मैंने जारी किया था कि प्री वेडिंग शूट लड़कियों के भविष्य के लिए खतरनाक है। हमारे पास एक मामला आया था जिसमें रिश्ता तय हो गया था और शादी होने की थी, तो प्री वेडिंग शूट कराया था और इवन दो दिन की शादी थी, तेल हल्दी की तैयारी हो गई थी, लग गया था और रिश्ता टूट गया। लड़की के परिवार का तो पूरा जो शादी का खर्च है वो हो चुका था और लड़के वालों ने उसका पैसा मना देने से मना कर दिया। लड़के की कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो पहुंच गई तो वो शादी नहीं होने दूंगी, तो उस कारण वो शादी टूट गई थी। तो इसमें लड़की का कोई दोष नहीं था, उसके परिवार का कोई दोष नहीं था, लेकिन उनके फोटोग्राफ्स थे वो उसको लेकर के वो परेशान थी। अंततः जब हमारे आयोग में केस आया तब उन लोगों ने पूरे पैसे खर्च के राशि सब लड़की पक्ष को वापस किया और फिर हमारी समझाइश हुई कि प्री वेडिंग शूट के जो भी फोटोग्राफ्स हैं, जो मोबाइल में इंटरनेट में सारी चीज़ें डिलीट किया जाए और भविष्य में वो लड़की के जो भी फोटोग्राफ्स हैं उसका मिसयूज़ लड़के पक्ष के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो हमारी समझाइश का असर पड़ा और उन्होंने सहमति दिया कि हम इसका भविष्य में, हमारे पास कोई भी फोटोग्राफ है नहीं और हम इसका कोई भी मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो हमने उसमें एक अधिकार सुरक्षित रखा है लड़की के लिए कि यदि कभी भी भविष्य में ऐसी कोई भी प्री वेडिंग शूट की फ़ोटो का मिसयूज़ होता है तो फिर से वो आयोग में आ सकती है और फिर उनके ऊपर FIR कराई जाएगी। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये पूरे समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि शादी के बाद आप जितनी चाहे फ़ोटो कराएं तो आप कपल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ऐसी दुर्घटना भविष्य में किसी भी लड़की के साथ हो सकती है, तो ऐसे बहुत इंटीमेट चीज़ें और फोटोग्राफ्स। तो देखा आपने ये वीडियो, आई थिंक मुझे और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को, मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों को दिखा पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।